हेलो दोस्तों, कैसे हो? दुआ करता हूँ सब ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं लोड चार्ट के बारे में, और लोड चार्ट सीखना भी ज़रूरी है ऑपरेटर भाइयों के लिए और जो नए सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए। लोड चार्ट को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि लोड चार्ट की ज़रूरत कब पड़ती है दोस्तों? जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम लोड चार्ट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। रेडियस के बारे में, लेंथ के बारे में, ड्यूटी के बारे में, एंगल के बारे में और SWL के बारे में। तो ये रेडियस को किस प्रकार से समझें, किस प्रकार से इसको जानें, तो इसकी डिटेल से विस्तार से जानकारी देना चाहता हूँ, देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम जानेंगे, गाड़ी का मॉडल है F-150, ठीक है, और टोटल इसकी बूम की लंबाई है 18 मीटर, ठीक है, और फ्लाई जीवी और मैनुअल दोनों मिला के टोटल इसकी लंबाई है 21 मीटर। दिख रहा है, 21 मीटर लंबाई है दोस्तों इसकी, ठीक है। तो टोटल जो इसका बूम है, ये मिलाने के बाद में 21 मीटर हाइट तक काम कर सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है भाई, F-150 16 टन कितने मीटर तक काम कर सकती है? तो ये 21 मीटर तक काम कर सकती है फ्लाई जीवी और मैनुअल को मिला के। और ऐसे अगर सीधा बूम की बात करें तो ये 18 मीटर तक ही काम कर सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ये टोटल प्रत्येक हुक का डिटेल से इस पर दिखाया होता है। ये पूरा गाड़ी चलाने से पहले या फिर कोई गाड़ी चेंज करते हैं ऑपरेटर भाई, तो वो भी इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर गाड़ी का लोड चार्ट अलग अलग होता है। 16 टन का, 15 टन का, 10 टन का, सबका अलग अलग रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे जी रेडियस की। ये जो रेडियस है, ये रेडियस को हम कौन से रेडियस में कितने टन तक काम कर सकते हैं? तो ये सबसे नीचे ये रेच मीटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद में SW ये वेट का मीटर है, ठीक है, कितने वेट और कितने मीटर तक काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टोटल इसमें दर्शाया जाता है, और रेडियस है ना जो, ये जब बूम डाउन करेंगे तो रेडियस बढ़ेगा, और बूम उठाएंगे तो रेडियस कम होगा। देखो, जैसे मान लो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, ये साफ से दिख नहीं रहा, 3 नंबर हुक की बात कर लेते हैं। 3 नंबर हुक में रेडियस आ रहा है 11.9 मीटर, ठीक है, और हम काम कितना कर सकते हैं, 1.3 टन, 1300 kg तक हम काम कर सकते हैं 11.9 मीटर में। ऐसे ही ये देखो, 15.8 मीटर में इतना काम कर सकते हैं, 18.8 में इतना 500 kg का काम कर सकते हैं। लास्ट आता है दोस्तों ये लास्ट हुक में, और लास्ट इसमें ये देखो, ये आएगा 1.5 मीटर में 15 टन तक हम काम कर सकते हैं। ये 16 टन की गाड़ी है और 15 टन तक आसानी से काम कर सकता है। उसके बाद में गाड़ी की टायर टू टायर लंबाई भी इसमें दिखाई जाती है, चौड़ाई भी यही इसमें दिखाई जाती है। तो इसको सीखना ज़रूरी है, ये सीख लिया तो आप आसानी से मान लो कोई भी इंटरव्यू पास कर सकते हो। जैसे लिमिटेड कंपनियाँ वगैरह किसी में जाओगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन रहते हैं आपको, तो इनके बगैर आपका चाहे ऑपरेटर हो तो भी ये इंटरव्यू पास करना बड़ी बात हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।